नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय केशव प्रसाद शर्मा की मनाई गई 28वीं पुण्यतिथि। जी हां, आपको बताते चलें कि स्वर्गीय केशव प्रसाद शर्मा की 28वीं पुण्यतिथि स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया। कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का ध्यान रखते हुए बड़े ही शांति ढंग से पुण्यतिथि को लोगों ने मनाया। हवन पूजा पाठ किया गया तथा प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर सचिव रविन्द्रनाथ शर्मा जी के द्वारा वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने वृक्षारोपण किया। जब सूचना नेटवर्क की टीम विद्यालय पहुंची तो विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय से पूछा। उन्होंने बताया कि आज हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको पूरा करने में इन वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान होगा। आने वाले समय में ये बात वातावरण को शुद्ध रखेगा तथा लोगों को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में निरंतर चलते रहते हैं और विद्यालय के सभी स्टाफों का सहयोग रहता है। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, उपाध्यक्ष हेमंत राय, सचिव प्रबंधक कविन्द्रनाथ शर्मा, उप सचिव नीरज राय, प्राचार्य डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय, मनोज राय, शिवशंकर राय, वीरेंद्र राय, रामानुज राय, शशांक राय तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ मौके पर मौजूद रहे। आज ये किस तरह का कार्यक्रम है? इस महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय पंडित केशव प्रसाद शर्मा की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ यज्ञ हवन होता है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, वही कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर, इस मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में सभी सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखने का उपाय करें। यह कहने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, सभी जानते हैं। थोड़े सजग रहें, सहज रहें, दूसरों को भी सहज रहने दें। धन्यवाद महाविद्यालय गाजीपुर। सर, आज आपके विद्यालय में पुण्यतिथि मनाई गई है, 28वीं पुण्यतिथि। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया है जी। इस संदर्भ में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं वृक्षारोपण के बारे में? सर, ऐसा है कि ये शासन से भी ये निर्देश है कि इस बार जो है जुलाई में 15 दिन का जो है पखवाड़ा चलेगा। इसके पहले भी जिस दिन ये पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ पौधे लगाए गए थे, ये पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो लोग समझते हैं कि कमी हो रही है, वह पेड़ पौधों के कटने से ही जो है वह ऑक्सीजन की कमी हो रही वातावरण में। इसलिए पेड़ पौधे जो है वो यदि आप करेंगे तो यह पूरे वातावरण में सामंजस्य स्थापित होगा और मनुष्य का जीवन अपने आप सुरक्षित रहेगा। यही हम लोग की ध्येय है।